बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका और एक हमने प्रश्न उत्तर का भी सेशन कर लिया। अब हम थोड़े से और प्रश्नों के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का जो पहला प्रश्न है वो हम पढ़ते हैं, वो है ऊतक को परिभाषित करें। अब ये देखिए, ये हमें अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है। तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होती है और किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करती है ऊतक कहलाता है। रक्त, फ्लोएम, पेशी आदि ऊतक के उदाहरण। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। तो अब हमने इससे पहले फ्लोएम का पढ़ा था, अब हम देखते हैं जाइलम ऊतक किससे बनते हैं। जाइलम ऊतक जो हैं वो चार अवयव से बने होते हैं, वाहिनिकाएं, ट्रेकीट, फिर वाहिकाएं, फिर जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। तो ये जो है आपकी वाहिनिकाएं, ट्रेकीट, ये हमने इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है। मृत लंबी नली के समान होती है जिससे होकर खनिज लवण और जल ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। वाहिकाएं जो होती हैं ये मृत संकरी नली के समान होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये सजीव पैरेन्काइमा अधिकता में होते हैं। जाइलम रेशे मृत लंबे तथा नुकीले होते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये आपने किन ये जो हमने इनके जो चार अवयव हैं इनके नाम दिए हैं, तो हमने अपनी तरफ से आपको इसके थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आप चाहें तो इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके पास और कोई पॉइंट आ रहा है, आपने किसी और भाषा में इनके बारे में मतलब किसी और स्टाइल में इनको समझा है जो इनका डिस्क्रिप्शन है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मेन हमें ये चार का नाम देना है, फिर इसके बारे में आप जो जानते हैं वो लिख दीजिएगा। फिर पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। अब हमने देखा था ना सरल ऊतक और जटिल ऊतक पौधे में, और याद आ रहा है चार्ट आपने अपने कॉपी में बनाया जो मैंने आपको दिखाया था। नहीं बनाया तो जरूर बना लीजिएगा। देखिए, अगर आपको वो चार्ट याद होगा आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इसको लर्न करना चाहेंगे कि पूरा याद करके एंड देन यू वांट टू राइट, आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो इसलिए वो चार्ट जरूर याद रखिएगा और उसको अपनी कॉपी में रिवाइज करते रहिएगा। तो सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तथा देखने में एक जैसे लगते हैं। इनमें जीवित कोशिकाएं होते हैं तथा कोशिका भित्ति पतली होती है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आदि। ठीक है, अब जो जटिल ऊतक है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं जो समरूप कार्य करते हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है तथा कोशिका भित्ति मोटी होती है, जैसे जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ पे मैं आपको, ये तो हमारा आंसर सेट है, इसको कर लिया, लेकिन देखिए इस आंसर से आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। आपसे ये भी कह सकते हैं कि सरल और जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जटिल ऊतकों के नाम बताइए। या आपसे यह पूछा जा सकता है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक में कोशिकाएं किस प्रकार कोशिकाओं में भिन्नता होती है। क्लियर हुआ? एक आपसे यह पूछा जा सकता है डैश फिलिंदा ब्लैंक फॉर्म में, डैश में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं और आपको दे दिया सरल ऊतक, जटिल ऊतक और दो और दोनों में या दोनों में नहीं, ऐसे आपके एमसीक्यू बन। तो देख रहे हैं आपका ये एक आंसर से कितने और प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपने मेन ये समझ लिया है और वो आपको वो चार्ट याद है कि सरल ऊतक में यह है, जटिल ऊतक यह है और इनमें कोशिकाओं में यह डिफरेंस है, किसमें आपकी मृत है, किसमें आपका एक जीवित कोशिकाएं कहते हैं, ये हमने मेन मेन की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हुए। तो अब उससे कोई भी आपका प्रश्न आए एकदम नहीं आएगा तो आप एकदम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसका ये पढ़ा था, इसका ये पढ़ा था, तो इसका अर्थ हुआ आप मतलब एक मेरा जो सिंपल कहने का मतलब है कि आप अपने आंसर को पहचान सकते हैं रिलेशन बना। तो ये वाला जो प्रश्न एक बार फिर से मैं कहूंगी, जैसे एरियोलर का उधर कहा था हम पहले वाले सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसे भी आप जरूर एक अपना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम जब लिखते हैं कभी कभी एक अगर थोड़ा सा भी हमसे हो तो हम भूल जाते हैं किसमें मृत कोशिकाएं लिखना है, किसमें हमें जीवित कोशिकाएं लिखना है। तो वो एक चीज है, तो उस बात को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। फिर आ रहा है हमारा एक और प्रश्न आज का, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ देखिए ना, सिर्फ एक करेक्टर को लिया कोशिका भित्ति के आधार पर, तो गोल सजीव तथा पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है, या हम पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। ऊतक अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है, अधिकतर कोमल स्थानों पर पाए जाते हैं जैसे फूल पत्ती, हरा तना, फल आदि, भोजन का संग्रह तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब आप कहेंगे खाली कोशिका भित्ति के बारे में कहा है, हम ये सब क्यों लिख रहे हैं? तो ये आंसर्स आपके लिए हम एक ऐसा दे रहे हैं कि आपसे अगर पैरेन्काइमा का पूछा जाए तो आप पूरा पैरेन्काइमा का आप ये आंसर लिख सकते हैं कि पैरेन्काइमा कोशिका वो के बारे में आप बताएं, और ये तीनों में कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कोशिका भित्ति का हो तो आप यहाँ पे इसका कह सकते हैं ये वाले फर्स्ट पॉइंट, गोल सजीव तथा पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो आप ये सिर्फ दो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अगर खाली कोशिका भित्ति हो, लेकिन आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स इसलिए दे दिए क्योंकि अगर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का अगर वो बात कर रहे हो तब भी आपका एक आंसर आपको वैसे एक मिल जाए। कोलेन्काइमा बहुभुजीय सजीव कोशिकाओं का द्वारा बना होता है, अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? पेक्टिन की बनी होती है, शाखाओं तथा हरे तनों पर पाए जाते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन ये आ गया, कोशिका भित्ति के सजीव कोशिकाओं द्वारा बना होता है, कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या हो गया? ये मोती भित्ति वाले मृत कोशिकाओं द्वारा बना होता है, अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति लिग्नन की बनी होती है, अंतर काष्ठ में पाए जाते हैं, मजबूती प्रदान। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन को एक हमने यहाँ पे इसलिए ये सब लिख दिया है कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आपको पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एक आपके सामने आंसर हो। तो ये क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वो एक रहता है कि हम इससे इतने समय में कितना आपको एक जानकारी दे सकते हैं। रंध्र के क्या कार्य हैं? रंध्र के कार्य वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों को अतिरिक्त जल से मुक्ति दिलाते हैं। और अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? सक्शन नहीं होगा, तो उसको करने, तो इसलिए तो वो तो एक हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था। तो रंध्र के कार्य हमने पढ़ा गैसों का आदान प्रदान, और हम कहें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अब एक और आ रहा है आपका प्रश्न, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों का में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो जैसे अभी हमने देखा ना, देखिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सेम रूप में वो वाला प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स दे दिए। यहाँ पे जैसे पेशी है ऐसी वो उन सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो रेखित पेशी देखिए, ये सारा हम स्ट्रक्चर करके दिखा सकते हैं। फिर हम इनके बारे में लिखेंगे, लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होती है रेखित पेशी, और चिकनी पेशी लंबी तथा नुकीले सिरे होते हैं, और हृदय पेशी छोटे बेलनाकार तथा चपटे सिरे होते हैं। फिर इनका केंद्रक की बात करते हैं, यह बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक होता है, यह एक केंद्रक बीच में स्थापित होता है, ये केंद्रक दो बार टाइप हो गया, इसको एक केंद्रक को आप काट दीजिए। एक केंद्रकीय तथा केंद्रक बीच में होता है। फिर आगे हम देखते हैं, यह हमारे रेखित चिकनी और पेशी हृदय पेशी के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका आप उनको कंटिन्यू रखिएगा। हल्के रंग की धारियां होती हैं, फिर हमने जो चिकनी है वो धारियां नहीं होती हैं, और हृदय में धारियां होती हैं। फिर ये जो पहला हमने देखा था वो ऐच्छिक पेशी उत्तक है,
ये अनैच्छिक पेशी ऊतक है, और ये हमने जो हृदय का देखा था कार्डियक मसल्स का, तो वो भी अनैच्छिक पेशी ऊतक है। ये जल्दी थक जाते हैं, सेकंड ग्रुप हम देख रहे हैं जल्दी नहीं थकते हैं, और जो थर्ड है कभी नहीं थकते। फिर संकुचन तेजी से होता है, इसमें संकुचन धीरे धीरे होता है, और इसमें संकुचन लयबद्ध में होता है। कंकाल से जुड़ी होती है, आंतरिक अंगों की दीवारों में होती है और हृदय की दीवारों में होती है। तो ये जो हमने तीन प्रकार की पेशी है उनके ये सारे पॉइंट्स हैं। तो जब आप नोट करिएगा तो ये थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स इसके बाद के पॉइंट्स एक साथ कॉपी में लिख लीजिएगा। हमें एक स्लाइड में दिखाने में आप पॉसिबल नहीं था, नहीं तो फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता, इसलिए दो स्लाइड्स में इस आंसर को आपके सामने रखा है। तो ये रखिएगा, ये फर्स्ट जो कॉलम है ये रेखित है, ठीक है। और फिर सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं ये वाला, ये चिकनी वाला है, और ये हृदय पेशी का, क्लियर। अब जो कार्डियक हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डियक हृदय पेशियों का विशेष कार्य लयबद्ध होकर जीवन भर प्रसार एवं संकुचन करना होता है, ताकि रक्त हृदय से पूरे शरीर में पहुंच सके। इनका रुकना जीवन का अंत समझा जाता है। तो ये मतलब हमने जैसे उनका थकान के ऊपर बात करी थी अभी जब तीनों को कंपेयर करा था, ये कभी नहीं थकती है। इसलिए हमने इन पेशियों को, हमने अगर आप अपने टॉपिक पर जाएंगे तो हमने सबसे पहले देखा था वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, पहले दो मेन ग्रुप्स देखे थे, फिर इनवॉलेंट्री में हमने दो फिर सब ग्रुप्स कर दिए थे। तो जिसमें हमारा इनवॉलेंट्री में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का है वो कर दिया था, और हृदय का हमने सेपरेट रखा था। वो इसीलिए रखा था क्योंकि ये इनका जो है ये एक लयबद्ध है, और ये कॉन्टिन्यूस करना है काम, और ये जैसी अगर रुकेंगे तो जीवन का अंत है। बाकी में क्या है कि अगर किसी कारण वो थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, हम जैसे कहते हैं कि किसी कारण अगर थोड़ा सा वो है तो ऐसा जीवन पर हानि नहीं होती है, लेकिन ये अगर रुकना है कुछ सेकंड्स के लिए तो जीवन की हानि। तो इसलिए हमने कार्डियक जो पेशी है उसको एक अलग स्पेशल कैटेगरी में रखा है, और ये अनैच्छिक कैटेगरी में तो है ही। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े और प्रश्न देखे और उनके उत्तर भी, और देख रहे हैं जैसे जैसे हम ये उत्तर देखते हैं हमें क्लियर हो जाता है कि हमें चैप्टर कितना क्लियर हो रहा है। सो एक और सेशन है अभी, आपके जो चैप्टर के एंड में प्रश्न है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं वो नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं एक और सेशन जिसमें प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। बाय।